हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम पाई नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। इससे जुड़ी कुछ नई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। फिलहाल अगर पाई नेटवर्क की बात करें तो केवाईसी से रिलेटेड एक ट्वीट इन्होंने रिसेंटली निकाला है, और उस ट्वीट में काफी कुछ छुपा है, काफी राज इसके ओपन मेनेट को लेके, इसकी प्राइस को लेके, वो सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही डेफिनेटली। सबसे पहली जो न्यूज है पाई नेटवर्क से जुड़ी हुई, वो दिखाई देती है इसके रोड मैप में। आप इसकी वेबसाइट पे जब व्हाइट पेपर पर आते हो तो फेज थ्री जो मेननेट है उस वाले, अगर आप इस पे आते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन दिसंबर 2021, तो 2021 दिसंबर से ही। अब जनवरी से अगर आप देखोगे तो जो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर दो स्टेप है इसमें होने वाली है, जैसे कि एक तो फायरवेल्ड मेननेट यानी कि इनक्लोज्ड नेटवर्क लॉन्च होने वाला है, उसके बाद में ओपन मेननेट। फिलहाल अगर आप देखोगे तो जिस फेज में पाई जो कोई नहीं या पाई नेटवर्क जो है वो इनक्लोज नेटवर्क में चल रहा है, जो कि 2022 की जनवरी से ही चल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है जो इनक्लोज नेटवर्क है? इसका मतलब ये था कि ये पाई ब्लॉकचेन पर पाई डेवलपर्स के द्वारा या फिर पाई कम्युनिटी में से भी कुछ लोग, जैसा कि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपनी कोई ई कॉमर्स बिजनेस की एप वहां पर या फिर स्टोर, ऑनलाइन स्टोर आप रख सकते थे। जैसा कि आपने देखा भी होगा ट्विटर पर काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि ये वाला शोरूम एक्सेप्ट कर रहा है पाई, या फिर ये वाली दुकान, ये शॉप है, टी कॉफी शॉप, या जो भी है, इस तरह के पाई में पेमेंट ले रहे थे। तो उसमें साफ साफ यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, ये सिर्फ ये था कि केवाईसी, ये जो था मतलब मेननेट जो स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ उन उस चीज़ के लिए था कि जो मतलब पाइनियर्स हैं, यानी कि जो भी पाई के जिन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, जो माइन कर रहा है, तो वो लोग अपनी मर्जी से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये था इसका मतलब फायर वेलेंट मेननेट का, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अभी बारी है ओपन मेननेट की, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है इस फेज थ्री में, वो है ओपन मेननेट, जो कि काफ़ी जल्दी हमें 2023 के अंदर ही देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और आप अच्छे से ये डिटेल में पढ़ भी सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इनक्लोज नेटवर्क क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखोगे पाई नेटवर्क ने जैसा कि रिसेंटली एक ये ट्वीट जारी किया था, जो कि कल की डेट में आया था 19 जून को, जहां पर इन्होंने केवाईसी को लेकर एक ट्वीट किया है, पाई केवाईसी नो योर कस्टमर। तो ये प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा और स्पीड अप इन्होंने किया है, और डेफिनेटली इसी महीने में जो केवाईसी का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। कम से कम जो डॉक्यूमेंट सबमिटिंग का काम है वो लगभग सभी का हो जाएगा। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, और ये मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली ऐसा बता देता हूं कि इसमें एक्चुअली है क्या। इसमें ये है कि जिस जिनका भी केवाईसी पेंडिंग है, जैसा कि कई लोगों का है ऑब्वियसली, तो उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर बोल दिया कि पाई ओपनड अप केवाईसी एप्लीकेशंस टू ऑल। अभी आप में से भी जो वीडियो देख रहा है जिनकी अगर केवाईसी नहीं हुई है, जो मेननेट चेकलिस्ट के जो 7 स्टेप्स हैं, अगर वो राइट क्लिक वहां पर नहीं है, तो आप भी अपना सारा कुछ वो सबमिट करो, पाई वॉलेट वगैरह सब क्रिएट कर लो सारा कुछ, और आपको मतलब ये काफ़ी जल्दी वैलिडेट भी कर देंगे, और उसके बाद में आपकी माइग्रेशन की प्रोसेस चलती रहेगी। माइग्रेशन की प्रोसेस तो देखो आगे चलती रहेगी जैसे आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो सबके लिए ओपन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे है केवाईसी के। और जैसे ही आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब इन्होंने पाई डे पे, जो कि 2022 में हुआ था, वहां पर क्लियरली ये चीज अनाउंस की थी इनके जो ओनर है उन्होंने, कि जब केवाईसी का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ही जो ओपन मेनेट है वो भी लॉन्च हो जाएगा। अब केवाईसी का जो स्टेप से अगर इसी महीने में भी कंप्लीट होता है, कम से कम जो सबमिट वाला है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक चीज और भी लिखा हुआ है कि जैसे आप केवाईसी आपका कंप्लीट होता है, तो आप तुरंत क्या करो, वैलिडेटर बनने का काम करो। जैसा कि यहाँ पर लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है, बी श्योर टू फिल आउट योर केवाईसी एप्लीकेशन नाउ एंड पार्टिसिपेट इन द हिस्टोरिक अंडरटेकिंग बाय बिकमिंग अ वैलिडेटर। अब देखिए, वैलिडेटर आप में से कई लोग हो सकता है वैलिडेटर के रोल में काम भी कर रहे हो पाई नेटवर्क के लिए, जो कि आप पाई ब्राउजर से कर सकते हो। पाई केवाईसी के ऑप्शन पे जाने के बाद में आप पाई जो वैलिडेटर है उसका मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके बाद में आप वैलिडेटर बन सकते हो। वैलिडेटर का एक्चुअल काम क्या होता है, मैं खुद भी वैलिडेटर का काम करता हूँ। तो यहाँ पर यह था कि आप जैसे कि लोगों का आपको पिक्चर्स या फिर उनकी आईडीज वगैरह दिखती हैं, आपको वैलिडेट करना होता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ये काम मैंने किया है काफ़ी ज़्यादा, शुरू में मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे, मतलब 70 से 80 में पर डे कर देता था, पर अभी के टाइम पे जैसे एंट्री करते हैं तो कई बार तो हमको टास्क मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो एक या दो मिलते हैं, उसके बाद में ये होता है कि अभी नहीं है, यानी कि वैलिडेटर का जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो केवाईसी है जिन लोगों का बचा हुआ है वो अब काफ़ी कम रह गए हैं, या फिर ऐसे लोग रह गए हैं जो केवाईसी के लिए कभी अप्लाई ही नहीं करेंगे, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था स्टार्टिंग में ही, या फिर पाई जो ऐप था माइनिंग ऐप उसको अनइंस्टॉल कर दिया होगा, तो वो लोग तो कभी उनका केवाईसी हो ही नहीं पाएगा, तो वो तो पेंडिंग में रहेंगे ही। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, और वैलिडेटर को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि वैलिडेटर बनने की मतलब बनो, जैसे जिनका जिनका केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो वो वैलिडेटर के रूप में काम करें। उसका यह था कि जैसे ही कोई भी कस्टमर है या फिर जो कोई भी माइनर है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है, उसके बाद में वैलिडेटर का काम होता है कि उसको वो चेक करता है, मतलब जेन्युइन है या नहीं है। तो जितना जल्दी वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी तो उतना जल्दी वो केवाईसी को मतलब
प्रोसीड कर देंगे, पूरा उसको राइट क्लिक कर देंगे यानी कि उसको सबमिट कर देंगे, और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसको पास कर देंगे, उसके बाद में माइग्रेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। और जैसे ही माइग्रेशन होता है वो 14 डेज के अंदर हमारे वॉलेट में रिफ्लेक्ट भी होने लग जाता है, और वो पिछली बार भी काफ़ी टाइम तक हुआ था। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मेरा एक बार तो माइग्रेशन स्टार्टिंग में हो गया था, उसके बाद में मुझे कभी भी दोबारा माइग्रेशन का प्रोसेस मतलब माइग्रेशन में नहीं मिला, जबकि पाई ऐप के अंदर आपके वॉलेट वगैरह में कॉइन दिखते हैं कि इतने हैं अवेलेबल माइग्रेट होने के लिए, बट वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि काफ़ी लोगों का काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो माइग्रेशन जब शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक साथ लगभग लगभग सभी को एक एक दो दो दिन के गैप में अपने कॉइन माइग्रेट होते हुए नजर आएंगे, ये भी फैक्ट है। और वो जैसे ही केवाईसी वाला फेज खत्म होगा, और इसी महीने में होने वाला है ये सारी चीज, इसी महीने में आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। तो हम जो है अगर लॉजिकली भी देखें तो जैसे ही केवाईसी जो सबकी पास हो जाएगी, वैलिडेशन वगैरह माइग्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा, उसके 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ही जो ओपन मेननेट है वो भी लॉन्च हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पाई टू डे है जो कि 28th ऑफ जून को होने वाला है, उस दिन हमें ये हो सकता है और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन मिल जाए जो एक्चुअल डेट है कि पाई नेटवर्क कब लॉन्च होगा या फिर किस डेट को होने वाला है वगैरह वगैरह, या फिर कितनी प्राइस रह सकती है और क्या यूटिलिटी और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन लिस्टिंग्स की भी। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, एक्चुअल में मतलब कुछ आर्टिकल मैंने देखे हैं लेकिन इतने ज़्यादा जेन्युइन है या नहीं है, बट OKX एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग होता हुआ नजर आ सकता है सबसे पहले, क्योंकि उन दोनों एक्सचेंजेस से और उनके आर्टिकल्स में भी पाई नेटवर्क का कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है 1 से 2 बार, और वो भी रिसेंटली मैंने देखा है। उसको मैं इसलिए ज़्यादा जोर देके नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ को किसी ने भी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं किया है, तो इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, जस्ट वो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आइडिया लगा सकता है, क्योंकि OKX कई बार अपने आर्टिकल्स में जिन भी टोकन्स के जिन भी कॉइन के नाम लिखता है उनको वो लिस्ट कर देता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो ये दोनों काफ़ी बड़े एक्सचेंज है, ओबियसली बाइनेंस को तो सब जानते ही, OKX भी काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, तो ऐसे एक्सचेंजेस पर हमें ये लिस्ट होता हुआ सबसे पहले दिख सकता है जैसे ही ओपन मिनट आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है बिल्कुल ज़्यादा। फिलहाल अगर पाई कम्युनिटी या फिर ट्रेंड की बात करें तो वो ये है कि जैसा कि इस तरह के ट्वीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पाई टू डे यानी कि जो 28th जून है उस पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि ओपन मिनट लॉन्च होने वाला है फॉर श्योर, या फिर जो पाई कॉइन की वैल्यू है वो पता चल जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी। अब देखिए फिलहाल पाई कॉइन्स की अगर आप वैल्यू देखोगे जो कि इनक्लोज्ड मेनेट, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था इनके रोड मैप के अंदर जो इनक्लोज्ड मेनेट है उसके अंदर, तो देखिए प्राइस कोई फिक्स ही नहीं था। जैसे कि मान लो मैं खुद की एक शॉप है, अगर उसमें एक्सेप्ट करने लग जाऊँ पाई को, तो मैं कह दूँ कि यार मुझे 10 रुपये की इंडियन रुपये में 10 रुपये के हिसाब से मैं तो पाई खरीदूंगा, तो पाई की वैल्यू मेरे लिए 10 रुपये है, या फिर कई कोई लोग तो उसको 100-100 रुपये, $100, $1,000 तक भी बता रहे हैं कई अलग अलग कंट्रीज़ में। तो पाई का वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ओपन मेनेट में एक फिक्स वैल्यू होने वाली है। फिक्स मतलब कि जो एक्चुअल में पाई नेटवर्क जो टीम है कोर टीम वो उसको लिस्टिंग प्राइस के रूप में रखेगी, उसके बाद में ट्रेडिंग होगी उस हिसाब से, तो प्राइस ऊपर नीचे होगा ही डेफिनेटली। अगर इसमें बाइंग बढ़ेगा सबसे ज़्यादा तो प्राइस और भी ऊपर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात कि आज रात को एक और मीटिंग होने वाली है कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर 28th जून को क्या क्या प्लानिंग होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि वहाँ से कोई भी अगर अपडेट आती है बड़ी तो तुरंत आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर देना, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। फिलहाल एक अपडेट्स हो रहे हैं आपके लिए जो अभी तक सपोज वीडियो में आया लास्ट तक, अगर आपने पाई मिस किया है या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट इसको माइनिंग करना शुरू किया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने फिल्टर करके रखे हुए हैं 6 से 7 जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल के टाइम पर काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, आप उनको माइन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। इनविटेशन कोड जरूर यूज़ करना ताकि आपकी माइनिंग रेट बढ़े और आपको कुछ बोनस भी मिलेगा। उन सभी को एक्सप्लोर कीजिए, जो भी आपको सही लगे आप माइनिंग आज से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे आप पाई माइनिंग करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको उनको भी एक्सप्लोर करना है। ओके, तो आई होप आपको अब तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नदी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।